हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिरकार फैक्ट्री में कैसे बनती है। तो सबसे पहले हमारी 4x4 ऑफ्रोडर महिंद्रा थार के असेंबली देख लेते हैं। सबसे पहले सारे पार्ट्स जोड़कर कार की बॉडी बनती है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कार का इंजन जोड़ा जाता है कार की बॉडी के साथ, और फिर कार की ऊपर की बॉडी को जोड़ा जाता है कार के चेसिस के साथ, और ये हमारी चमचमाती हुई नई कार रेडी। अभी तो हमने सिर्फ ऊपर से देखा कि कैसे होती है कार असेंबल। अब हम एक एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे, तो देखो कि आखिर गाड़ी में पेंट कैसे होता है। तभी तो आफ्टर मार्केट पेंट करवाने पे वो फिनिश नहीं आ पाती है जो कि कंपनी देती है। अब देखो कि कैसे सारी रबर्स को फिट किया जाता है ताकि कोई भी आउटडोर कंडीशन का इफेक्ट ना पड़े कार के अंदर। ये सब मैन्युअली करना पड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद सारे पैनलों को फिट किया जाता है, आप देख ही सकते हो। उसके बाद कार के डैशबोर्ड को असेंबल करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऐड करते हैं। उसके बाद इंटीरियर में सभी पार्ट्स को असेंबल करते हैं, इंटीरियर को प्रॉपर फिनिश देते हैं। उसके बाद ब्रेक पैडल, एक्सीलेटर पैडल और क्लच को असेंबल करते हैं। जैसे कि ये एक ऑटोमेटिक कार है तो इसमें क्लच पैडल नहीं है। के बाद इसके एक्सल को असेंबल किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सारे हिस्से बड़े ही बारीकी से जोड़े जाते हैं। उसके बाद सभी ग्लास को ऐड किया जाता है। उसके बाद इंटीरियर बॉडी में कार्डबोर्ड को ऐड किया जाता है।